राजा भर्तरी जी की, राजा विक्रमादित्य जी की बहन दूसरा संवाद राजा भर्तरी जी से कहती है, भैया विलाप का क्षण कम रखना चाहिए, जो चला गया कोई धन लेकर चला गया, कोई संपदा लेकर चले गया, कोई 2-4 लाख 10 लाख 50 लाख खाकर भग गया, अब आप उसके चक्कर में दुखी हो कर बीमार क्यों हो रहे? तुम्हारी किस्मत में होगा तो जो लेकर गया है उससे दुगना कोई दूसरा ला कर दे देगा, ये निश्चित है। उसमें दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। एक पत्र आया है, पत्र तो सभी अच्छे हैं पर पत्रों में बड़ा भाव व्यक्त किया, देखिए बहुत पत्र हैं, उन सभी पत्रों को अच्छा लिखा है। श्रीमती साधना तिवारी, पत्नी ओम प्रकाश तिवारी, ग्राम पोस्ट कोरिहर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से आई है। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं बैठी हो तो इस तरह से दोनों हाथ हिला देना है। कहीं बैठी हो, अच्छा पीछे हो, दिख गए हो, ठीक है, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। गुरुजी 2017 से परेशान थे, हमारे छोटे बेटे को सर में ट्यूमर हो गया था जिसका फोटो हमने लगाया। 2 बार रायबरेली हॉस्पिटल में सर्जरी करवाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ के डॉक्टरों ने 3 बार सर्जरी करी फिर भी ठीक नहीं हुआ। गुरुजी 5 बार सर की सर्जरी हो गई थी। गुरुजी कुछ भी हो सकता था लेकिन भोले बाबा की कृपा थी। फिर वहीं पर गांठ हो गई जो मुंबई जांच के लिए गई, जांच के लिए जो गांठ भेजी गई फिर डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, जिसकी रिपोर्ट है, सारी जांचें हमने लगाई है, एक्सरे और पूरी जांचें उसमें लगी हुई। गुरुदेव कैंसर बता दिया, 24 साल शादी के हो गए गुरुदेव, पति को नींद में उलझने की अर्थात एकदम श्वास रुक जाना, बंद हो जाना, उसकी बीमारी भी लगी हुई है। एक बेटा है जिसके पेट में पथरी है, ग्रेविडर में। हम सब दुखी थे गुरुदेव, आखिरी में करें क्या? तभी मेरी भाभी ने मुझसे पूछा, अब कैसा है बेटा? हमने कहा उसको तकलीफ है, परेशान मत हो, कथा आती है टीवी पर, आस्था चैनल पर, उसको जरा सुनना चालू कर। और कथा सुनने के लिए हम तैयार हुए। कथा में आपने कई बार भगवान शिव को जल चढ़ाकर बेलपत्र का वर्णन किया, वही हमने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव कथा सुनते सुनते 2022 में फरवरी से हम कथा सुन रहे हैं और आपकी कथा काशी भी सुनने गए और बाबा से काशी में पंडाल में बैठकर प्रार्थना करके आए थे कि मेरे बेटे को कैंसर बताया है, बस ये ठीक हो जाए, ऐसी कृपा करना। एक बेटे को पथरी है ग्रेविडन में, वो भी ठीक हो जाए, ऐसी कृपा करना। पति के लिए भी बोल कर आए थे गुरुदेव, बाबा की कृपा से आज महाकाल की भूमि को नमन करने आए हैं। मेरे बेटा कैंसर की बीमारी से ठीक हो गया है और बेटा बड़ा भी ठीक है, इसलिए हम यहाँ नमन करने के लिए आए हैं। बस एक विनती और है, मेरा पति भी ठीक हो जाए, यही बाबा से प्रार्थना करने आए। हर हर। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव कर दो, हर हर महादेव। एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर है, बाबू से